गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक रोलिंग बोनेट बैरिंग के अंदर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अगर ये न्यूमेरिकल करना है तो इससे पहले, इस वीडियो से पहले आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें, रोलिंग बोनेट बैरिंग की जो सिंगल वीडियो है, जिसमें कि मैंने पूरा का पूरा जो सिलेबस है यूनिट नंबर 4th का वो कवर किया है। उसको अगर हम देखने के बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल जो है 2007-08 में AKTU में आया हुआ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। दिया हुआ सेलेक्ट द बैरिंग, रोलिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग के अंदर ये अच्छी बात है कि हमें कोई भी न्यूमेरिकल में बैरिंग डिजाइन नहीं करना है, ओनली सेलेक्ट करना है। रोलिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग डिजाइन इज दैट इज द सेलेक्शन ऑफ द रोलिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग। सेलेक्शन कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू लोड एंड अकॉर्डिंग टू लाइफ। तो लोड और लाइफ के अकॉर्डिंग हमें जो है कितना लोड दिया हुआ है और कितने लाइफ के लिए बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमें बैरिंग को सेलेक्ट करना है। तो इसलिए हमें एक लोड लाइफ रिलेशनशिप है उसको ध्यान रखना है कि लोड लाइफ रिलेशनशिप क्या है। लोड लाइफ रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें हमें लोड लाइफ रिलेशनशिप लगाना ही पड़ेगा। और लोड लाइफ रिलेशनशिप का डायरेक्टली फॉर्मूला हमें डाटा बुक में दिया हुआ है और मैंने जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लोड लाइफ रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या था। लोड लाइफ रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या था, दैट इज इक्वल टू L10 इज इक्वल टू CR या C रिक्वायर्ड अपॉन FE की पावर A। दिस इज द लोड लाइफ रिलेशनशिप। इसको हमें याद रखना है। अगर कोई भी पूरी यूनिट के अंदर मैक्सिमम 90% न्यूमेरिकल जो है वो इसी फॉर्मूले सॉल्व होंगे, दैट इज द लोड एंड लाइफ रिलेशनशिप। तो ये बेसिकली देता क्या है, ये हमें ये बताता है कि लोड और लाइफ के अकॉर्डिंग हमें कितनी रिक्वायर्ड डायनामिक कैपेसिटी चाहिए बैरिंग की। और जब हमें रिक्वायर्ड डायनेमिक कैपेसिटी मिल जाती है तो उस रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग हमें बैरिंग नंबर सेलेक्ट करना इजी हो जाता है फ्रॉम द डाटा बुक, क्योंकि डाटा बुक में जो भी बैरिंग दिया होगा उसका बैरिंग नंबर दिया होगा, उसकी डायनेमिक कैपेसिटी दी होगी, तो हमें जो और डायमीटर दिया होगा, तो डायमीटर और डायनेमिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें बैरिंग सेलेक्ट करना है। तो अब हमें अगर रिक्वायर्ड पता लग जाए, डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर, तो हमारा बैरिंग नंबर हमारा सेलेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड डायनेमिक कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो बैरिंग में क्या न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, सेलेक्ट अ बैरिंग फॉर 35 mm डायमीटर साफ। तो डायमीटर दिया हुआ डी इज इक्वल टू 35 mm टू ऑपरेट फॉर 8 hours पर डे। अब ये जो बैरिंग हमारा लगेगा वो कुछ ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहां पर जो कंपनी है या फिर जो मशीन है वो 8 hours पर डे चलती है और 5 days पर वीक, और पर वीक में चलती है, दैट इज 5 days पर वीक। एक वीक में 5 days एंड फाइव ईयर तक हमें रन करना है। तो दिस इज बेसिकली क्या है, दिस इज द लाइफ रिक्वायर्ड। लाइफ कितनी चाहिए बैरिंग की, दैट इज द लाइफ रिक्वायर्ड। मतलब लाइफ हमें इतनी चाहिए बैरिंग की कि वो 8 hours पर डे चल जाए, 5 days पर वीक अगर हम चलाएं तो 5 ईयर चल जाए, ठीक है ना। टोटल 5 ईयर नहीं चलानी, हमें 8 hours पर डे चलाना है और जो वीक में बस 5 days चलाना है तो वो 5 ईयर चल जाए, इतनी हमें लाइफ चाहिए बैरिंग की। तो दिस इज द लाइफ ऑफ द बैरिंग। अब लाइफ हमें यहां पर फॉर्मूले में अगर देंगे तो यहां पर क्या है, दिस इज द लाइफ ऑफ द बैरिंग, लेकिन लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन। दिस इज द मिलियन रिवोल्यूशन, लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन, रेटेड लाइफ। रेटेड लाइफ क्या होती है और एवरेज लाइफ क्या होती है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं लास्ट लेक्चर में, तो लास्ट वीडियो जरूर देख लें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। ये रिक्वायर्ड डायनेमिक कैपेसिटी, दिस इज द इक्विवेलेंट लोड। तो यूनिट दोनों की अगर किलोमीटर लेते हैं तो ये भी किलोमीटर, अगर इसको न्यूटन लेते हैं तो ये भी न्यूटन, ठीक है ना। तो मिलियन रिवोल्यूशन में ध्यान रखेंगे लाइफ, एल10 लाइफ, वो भी रेटेड लाइफ। अब यहाँ पे जो लाइफ दी हुई है कोई मेंशन नहीं कर रखा कि ये रेटेड लाइफ है या एवरेज लाइफ है, अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो इसको हम रेटेड लाइफ ही मानेंगे। अब रेटेड लाइफ जो दी हुई है, अब आरपीएम कितने दिया हुआ, आरपीएम से कितना में घुमाना, जैसे दिस इज द 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम से मूव कराना। अब ये जो डाटा दिया हुआ इसको मिलियन रिवोल्यूशन में कन्वर्ट कर दे तो फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। बाकी रेडियल लोड दिया हुआ एफ आर इज इक्वल टू 2250 न्यूटन, एफ ए कुछ नहीं दिया हुआ दैट इज 0, एलजे लोड इनर रेस रोटेटिंग है इसका मतलब वी की वैल्यू 0 होगी, सॉरी वी की वैल्यू 1 होगी, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एफ आर दिया हुआ, एफ ई नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या होगा डायरेक्टली, बेसिकली एफ ई क्या है, एफ ई एक इक्विवेलेंट लोड है जो कि रेडियल लोड के बराबर है, इक्विवेलेंट रेडियल लोड है जो कि सेम इफेक्ट जनरेट करता है जो कि रेडियल और एक्सियल लोड जनरेट करते हैं। अगर एक्सियल लोड नहीं दिया हुआ डायरेक्टली जो एफ आर है वही हमारा एफ ई के बराबर ही हो जाएगा, तो हमें एक्स और वाई नहीं निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्लियर है। अब हमें एफ आर एफ ई तो पता है, एफ ई तो डायरेक्टली हम आप पुट कर देंगे जो एफ आर है, लेकिन हमें L10 निकालना पड़ेगा मिलियन रिवोल्यूशन में। अब मिलियन रिवोल्यूशन में कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। L10 को अगर हम देखें
तो यहां पर कितना दिया हुआ, 5 ईयर्स के लिए चलाना है तो 5 ईयर्स, 5 ईयर्स और एक 1 ईयर्स में कितने वीक होंगे, 52 वीक। तो 5 ईयर्स को अगर मैं 52 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वीक्स, एंड पर वीक कितने डेज, 5 डेज। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डेज इन 5 ईयर, एंड पर डेज कितने आवर्स, 8 आवर्स। 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन 5 ईयर्स, जो कि जितना दिन हमें बैरिंग की लाइफ चाहिए। अगर मैं इसको 8 आवर्स के बाद अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल लाइफ ऑफ द बैरिंग इन मिनट, इतने मिनट की हमें लाइफ हमें चाहिए बैरिंग की। अब ये इतने मिनट चाहिए, लेकिन हमें चाहिए क्या लाइफ, एलटीएम क्या, लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन। तो अगर मैं इसको 1500 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1500 से, तो क्या हुआ, दिस इज जो भी 1500 रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं, 1500। तो इतने मिनट में कितने रिवोल्यूशन होंगे, मल्टीप्लाई बाई 1500। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अब हमें लाइफ किसमें चाहिए, मिलियन रिवोल्यूशन में, इसको 10^-6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द एल10 लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 × 50 × 5 × 8 × 6 × 8 × 60 × 60 × 60 × 1500 × 10^-6, दैट इज इक्वल टू 936 मिलियन रिवोल्यूशन, मिलियन रिवोल्यूशन। तो दिस इज द L10 इन मिलियन रिवोल्यूशन। तो L10 कैसे निकालेंगे ये पता लग गया। अब यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से हम C रिक्वायर्ड अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो L10 रखते हैं। अब L10 कितना, 936 into, तो A की वैल्यू क्या होगी, अगर हम सिंगल लो डी ग्रुप बॉल बैरिंग सेलेक्ट करते हैं, तो A इज इक्वल टू 3, पहले डिस्कस कर चुके हैं, A इज इक्वल टू 3 फॉर बॉल बैरिंग। तो बॉल बैरिंग के लिए A इज इक्वल टू 3 को पुट करेंगे, तो L10 दैट इज इक्वल टू 936, इसकी हम पावर कर देते हैं, 936 की पावर 1/3 हम कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 9.78। इसको अगर मैं FE से मल्टीप्लाई कर दूं, FE इज इक्वल टू FR, दैट इज इक्वल टू 2250 इंटू दिस इज इक्वल टू, तो यहां से हमारा C रिक्वायर्ड जो आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 22.009 किलो न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड डायनामिक कैपेसिटी, जो हमें बैरिंग सेलेक्ट करना है उसकी जो डायनामिक कैपेसिटी है वो 22 किलो न्यूटन एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो हमारा बैरिंग जो है वो फेल हो जाएगा। अब डायमीटर का अगर आए, तो डायमीटर के अकॉर्डिंग मैं दो बैरिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 35 mm डायमीटर है, तो 35 mm के लिए या तो 6207 लेगा या 6307 लेगा। पेज नंबर 387 पे जाएंगे या 388 पे जाएंगे, क्योंकि 07 × 5 करेंगे 35 आएगा, 07 × 5 करेंगे 35 आएगा। इसको मैंने डेजिनेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 6207 का मतलब क्या है एंड 6307 का मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक बैरिंग लगाना पड़ेगा। अगर मैं 6207 लगाता हूँ, तो इसकी डायनामिक कैपेसिटी 19 किलोमीटर है। अगर मैं 6307 लगाता हूँ, तो इसकी डायनामिक कैपेसिटी है, देख रही है, 25 किलोमीटर। तो यहां पर मैं इसका मतलब 6207 लगाऊंगा तो फेल हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारा बैरिंग नंबर लेना पड़ेगा, बैरिंग नंबर क्या लेना पड़ेगा, बैरिंग नंबर यहां पर हमें लेना पड़ेगा 6307, जिसकी डायनामिक कैपेसिटी कितनी है, 25.3 किलो न्यूटन, दैट इज ग्रेटर देन। तो डायनामिक कैपेसिटी हमेशा रिक्वायर्ड से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर इसका रिवर्स बोले कि रिक्वायर्ड कैपेसिटी हमारी जो है डायनामिक कैपेसिटी जो बैरिंग है उससे कम होनी चाहिए, तभी हमारा बैरिंग जो है वो सेफ होगा। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो आज के लिए इतना ही, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। थैंक यू।